आज की वीडियो में बनाने वाले हैं हम बहुत ही मजेदार इस तरह का आलू अंडे का सालन। अगर आप देखना चाहते हैं इसकी रेसिपी तो देखते रहिए वीडियो, चलते हैं रेसिपी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मानुका किचन जी। आज जो मैं रेसिपी लेके आई हूँ वो है बड़ी ही सिंपल और मज़ेदार। तो हम बनाने वाले हैं आज अपने किचन में आलू अंडे का सालन। तो इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए तो हम आपको बताते हैं। यहाँ मैंने 4 अदद अंडे लेके इनको बॉईल करके रख लिया हुआ, फुल बॉईल किया है इनको, ठीक है। और बॉईल करते वक्त मैंने पानी में थोड़ा सा 1 टीस्पून नमक डाल दिया था ताकि छिलका आसानी से उतर सके। यहाँ मैंने रखे हैं 2 अदद 3 अदद आलू, ये मैं छिलका उतार के इनको मैंने 2 हिस्सों में कर लिया है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना हमने। यहाँ 1 गिलास पानी रखा हुआ है आलूओं को गलाने के लिए। यहाँ मैंने रखा है ऑयल, 1/2 कप ऑयल लेंगे हम। यहाँ मैंने रख लिए 2 दरमियाना टमाटर, बड़े बड़े काट लिए हैं, और 2 दरमियाना प्याज मैंने ब्राउन करके रख लिए हैं वक्त की बचत के लिए। इन दोनों चीज़ों को जो है हम बिल्कुल बारीक पीस के पेस्ट बना लेंगे। तो ब्राउन प्याज की रेसिपी मेरे चैनल पे अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। यहाँ मैंने रखा हुआ है नमक, यहाँ मैंने 1/2 टीस्पून नमक रखा हुआ है। हम नमक बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते, आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ रखी हुई है हल्दी 1/2 टीस्पून, यहाँ मैंने रखा हुआ है भुना और कुटा हुआ ज़ीरा 1 टीस्पून, यहाँ रखा है पिसा गरम मसाला 1/2 टीस्पून, यहाँ लिया है धनिया पाउडर मैंने 1 टेबल स्पून, यहाँ ले लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट भर के 1 टेबल स्पून। इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पे है, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। 3 अदद मैंने हरी मिर्चें ले ली है, ये हम जब सालन बन जाएगा उस वक्त दम में डालेंगे। थोड़ा सा हरा धनिया चाहिए होगा, ये भी दम में शामिल करेंगे। यहाँ ले लिए मैंने सुर्ख लाल मिर्च, ये ले लिए मैंने 1 टीस्पून, यहाँ मैंने ले ली है कश्मीरी मिर्च 2 टीस्पून। तो अब ये किस तरीके से बनाएंगे मैं आपको बता रही हूँ, इन दोनों चीज़ों को पीस के फिर मैं आपको आगे बताती हूँ। कढ़ाई ले ली हमने, इसमें ऑयल गरम कर लिया है। अच्छा, सबसे पहले हमने इसमें शामिल करना है ये अदरक लहसुन का पेस्ट, इसे हम डालेंगे और इसको हल्का फ्राई करेंगे। और इसके बाद जो है कितनी देर में ये हो रहा है चूल्हा, मैं थोड़ा सा तेज़ करूँगी यानी मीडियम आंच करूँगी। ये मैंने प्याज और टमाटर की पेस्ट बना ली है, तो ये ज़रा सा सौते हो जाए, भून जाए ज़रा सा। तो इसमें हमने अपने, क्योंकि प्याज से हमारे जो है वो ब्राउन हुए हुए थे यानी कि पके हुए हैं, अब टमाटरों को और इनको डाल के हमने मसाला भूनना है, अपनी अच्छी सी ग्रेवी बनानी है। बहुत ही जल्दी बन जाने वाली रेसिपी है, अगर आपके पास अंडे बॉयल हैं तो आप ये सालन फौरन बना सकते हैं। ये देखिए हो गया है, अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी ये अपनी ग्रेवी सारी जो कि टमाटर और उसकी। अच्छा, ग्रेवी आपकी अपनी मर्ज़ी है, अगर आपके पास अंडे ज़्यादा हैं आलू ज़्यादा हैं तो आप ग्रेवी को ज़ाहिर मिकदार को बढ़ाएंगे, टमाटरों को प्याज को लहसुन अदरक को। तो हम बिल्कुल थोड़ा सा बना रहे हैं तो इसलिए हमने उसके हिसाब से ग्रेवी ली है, ठीक है। तो अब हमने इसको मिक्स कर देना है इस तरीके से, आँच में मीडियम करूँगी और इस वक्त मैंने सारे मसाले इसमें शामिल कर देने हैं। ये हमारी आ गई मिर्च, ये हमारी आ गई रंगीन मिर्च जिससे कि बहुत अच्छा कलर आएगा हमारे सालन का। ये धनिया पाउडर आ गया, ये हमारा नमक आ गया, ये आ गया हल्दी पाउडर, और ये आ गया हमारा भुना और कुटा जीरा, इससे बहुत ज़बरदस्त इसमें वो आ जाएगा खुशबू। अच्छा, इसे हमें मिक्स कर देना है। गरम मसाला जो है वो हम जब सालन बन जाएगा तो दम में इस्तेमाल करेंगे। अब इस ग्रेवी को हमने भूनना है और आंच बिल्कुल नॉर्मल रखनी है, ना बहुत तेज़ और ना बहुत हल्की। अब इस ग्रेवी को भूनते भूनते हमने क्या करना है, साथ ही अपने ये जो आलू थे हमारे ये हम डाल लेंगे। अभी अंडे हम नहीं शामिल करेंगे, अंडे लास्ट में करेंगे। और इस ग्रेवी को अब मैं 5 से 7 मिनट भून लूँगी ताकि हमारे आलूओं में अच्छे से सारे मसाले आ जाए। तो ये भून के फिर मैं आपको बताती हूँ। हमने आलू डाल के इसको 5 से 7 मिनट भून लिया है, बहुत अच्छी ग्रेवी हमारी भून गई है और ऑयल भी निकल आया है। अब हमने क्या करना है, ये अपना जो 1 गिलास मैंने पानी बताया था आपको ये इसमें शामिल करना है, इसे मिक्स करेंगे। हमारे आलू थोड़े तो गल गए हैं लेकिन ये कि जब तक पानी नहीं डालेंगे आलू अच्छे से गलते नहीं हैं। तो अब हम इसको मिक्स करके ढक देंगे और ग्रेवी थोड़ी खुश्क होगी, आलू भी गल जाएंगे, ऑयल निकलेगा, फिर हम इसमें अंडे हरी मिर्च गरम मसाला और धनिया डालेंगे। तो मैं आपको 5-6 मिनट के बाद फिर बताती हूँ। हमने पानी डाल के आलूओं को गलने के लिए रखा था,
तो 10 मिनट बाद हमने जब चेक किया तो हमारे आलू गले हुए नहीं थे, तो हमने इसमें आधा गिलास पानी और शामिल करके इसको मजीद 10 मिनट और बनाया है, तो क्योंकि हमारे आलू है सख्त। अगर आपके आलू अच्छे होंगे तो जल्दी गल जाएंगे, और ग्रेवी जो है अगर आपको ज़्यादा पतली रखनी है तो आप जो है शोरबा ज़्यादा करने के लिए पानी ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इसमें अंडे शामिल कर दिए हैं, अब मैं इसमें ये हरी मिर्च शामिल कर दूँगी अपनी, और ये पिसा गरम मसाला जो है ये इसमें मैं शामिल कर दूँगी और इसे मिक्स करूँगी। और इसे मैंने धनिया डाल के 5 मिनट के लिए जो है दम पे रखना है, ताकि हमारी मिर्चें थोड़ी सी नरम हो जाए और धनिए की खुशबू, गरम मसाले की खुशबू अच्छे से आ जाए। हमने बहुत ज़्यादा ग्रेवी पतली नहीं रखी है, तो अब आपकी मर्ज़ी है, आपको जैसा लंबा शोरबा रखना है तो आप कर सकते हैं। तो अब मैं इसे 5 मिनट के लिए ढक रही हूँ, और इसके अलावा भी मेरे चैनल पे अंडे चने के सालन की रेसिपी है, और भी दूसरी बहुत सी रेसिपी हैं, अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं लिंक दे दूँगी, आप देख लीजिएगा। तो 5 मिनट के बाद मैं इसे डिश आउट कर लूँगी, हमारा आलू अंडे का सालन रेडी है। तो लीजिए, हमारा बहुत ही मज़ेदार और आलू अंडे का सालन तैयार है। जिस वक्त आपका ये सालन रेडी हो जाए तो आप अंडों को कटिंग करके क्या कहते हैं डिश आउट कीजिए, ताकि खाने में आसानी हो। तो बहुत जल्द नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।